राम जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग थोड़े काफ़ी दिनों के बाद डाल रही हूँ, क्योंकि बस तबीयत ऐसी हो रही थी, बहुत तेज़ बुखार हो गया था मेरे को, तो 3-4 दिन तक बस तबीयत ख़राब रही और फिर ब्लॉग डला ही नहीं। तो आज ब्लॉग डाला है, और आज हम डाल के आए ब्राह्मण सभा के, हमारे जो चुनाव थे तो वहाँ हम वोट डाल के आए, मैं और शर्मा जी, तो वोट डाला है। और शाम को 4 बजे रिजल्ट आ जाएगा, तो पता लगेगा भाई जिस कैंडिडेट को हम वोट डाल के आए वो जीतते हैं या कोई और जीतता है। तो 4 बजे तक ये रिजल्ट हमको पता लग जाएगा। और कल जन्माष्टमी है, तो मैं और गुड्डू लेके आए ड्रेस लड्डू गोपाल की। अभी तो बोल रहा हूँ आंटी की है, इसमें एक और है, वो भी ध्यान दे। तो आई ना, मैंने बताई ये कलर नहीं, कॉन्ट्रास्ट फट्टे पे लगाने के लिए चाहिए था कि फट्टे पे सफाई का है भाई। तो भाई डू में तो धोती एक कुर्ता और एक सफेद है ना, ये वो लगा सही है। मम्मी ने बना लेते मम्मी का और हां सुरेन ये बस लकी निकालना और के अलावा कोई चीज दिखानी है इसके साथ। सुमन भी ट्यूशन से पढ़ाया है और ये गया था 10:30 बजे ट्यूशन और आ गया ट्यूशन से। तो दिखाएगी हम सामान जो हम लेके आए हैं लड्डू गोपाल जी का, वो आपको ये दिखाएगी और मैं बनाती हूँ खाना। मम्मी और मैं लेके आए थे कान्हा जी की ड्रेस, क्योंकि कल है जन्माष्टमी, कल है कान्हा जी का बर्थडे। हम हर साल हमारे लिए भी नई ड्रेस आती है, तो कान्हा जी के लिए आएगी। तो अभी हम मम्मी और मैं लाए थे ये कान्हा जी की ड्रेस येल्लो कलर की, ये मल्टी कलर में देखो कितनी सुंदर लग रही है, इतनी चमक भी रही है और मल्टी कलर में है, ये येलो भी है थोड़ी सी। तो और हम लेके आए इसके मैचिंग का ही मुकुट, ये देखो कितना प्यारा सा है, ये इसके मैचिंग का ही है। और इसके अंदर एक और चीज़ लगेगी, वो ये रही मम्मी और मैं लेके आए थे इसके, इसको कलंगी बोलते हैं, इसके अंदर ही लग जाएगी और फिर ये अच्छा लगेगा। और ये हम कान्हा जी की पैंटी लेके आए हैं, अच्छी सी क्यूट सी, दो लेके आए हैं। ये देखो कान्हा जी की पेंटिंग पुरानी हो गई थी, जब बर्थडे आ रहे थे तो कुछ तो शॉपिंग करनी पड़ेगी ना कान्हा जी के लिए भी। और ये कान्हा जी की नई बंसी भारी बोल रही है, पहले से बहुत प्यारी है, अभी मैंने सेलेक्ट कर ली है, सुंदर लग रही है। और ये है कान्हा जी के लिए परफ्यूम, क्योंकि हम भी यूज़ करते थे वो भी यूज़ करेंगे। और ये कान्हा जी की वजंती माला, ये है कान्हा जी की वजंती माला, तो ये भी लेके आए हम। तो बाकी चीज़ तो कान्हा जी के पास है, बस हम थोड़ी सी नई नई चीज़ लेके आए उनके लिए जो उनकी पुरानी हो गई थी, ऐसे ये बासुरी मेरे को सबसे अच्छी लगी, और ड्रेस और मुकुट, बाकी सब तो उनकी यूजफुल चीज़ें हैं जो मेरे लिए यूज़ होती है। तो कल बनाएंगे धूमधाम से कान्हा जी का बर्थडे, और आप भी देखना, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बहुत अच्छी अच्छी झांकी भी होती है, राधा रानी डांस भी करते हैं, मंदिर भी सजते हैं, और हमें जो है ना अच्छी अच्छी झांकियाँ भी लगी होती है, तो वो भी दिखाएंगे आपको कल। तो मम्मी बना रही है आज खाने में भिंडी, हाँ भिंडी और रोटी। तो भिंडी मेरे को इतनी अच्छी लगती है, पर फिर भी मैं खा लूँगी थोड़ी सी। और अब मैं खा रही थोड़ी सी नमकीन, क्योंकि चटपटा मुँह करने का मेरा मन कर रहा है, वो भी खाना, इसको देख के तो मेरा मन किया। तो पापा और मैं भिंडी और दूध ले आए थे, तो पापा और मैं झूला भी देख के आए थे, तो झूला अभी हम लेके आएंगे उनके लिए। तो आज है जन्माष्टमी, और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और भाई आज हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए भी स्पेशल डे है, ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी नहाने के लिए हो गए, स्नान करने के लिए तैयार, और पंचामृत रख लिया है, गंगा जल, शहद, दही, दूध, कच्चा दूध और जो ये बूरा, तो पंचामृत इकट्ठा कर लिया है और लड्डू गोपाल जी को दिलाएंगे। और रख ली है तुलसी, क्योंकि तुलसी जी पता है आपको लड्डू गोपाल जी को बहुत बहुत अच्छी लगती है और बहुत प्रिय है। तो कहते हैं एक तरफ 56 भोग और एक तरफ तुलसी जी का पत्ता, तो वो 56 भोग पे वो तुलसी जी का पत्ता जो है वो भारी रहता है, तो इसलिए भाई अब लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे, और स्नान करवा रहे हैं आज शर्मा जी लड्डू गोपाल को, देखिए अपनाने के लिए तैयार हो गए हमारे लड्डू गोपाल जी। थाली में भी रखो एक तुलसी पत्ता, हाँ नन्हे नन्हे गोपाल हमारे नन्हे मुन्ने। और वही सुंदर सुंदर आज ड्रेस लाए थे हम लड्डू गोपाल जी की, आपको दिखाया था गुड्डू ने कि नन्हे नन्हे कपड़े लेके आए थे भाई, जैसे बच्चे पहनते हैं अपने बर्थडे पे नए कपड़े, तो लड्डू गोपाल जी के लिए भी हम नई ड्रेस लाए हैं, नया मुकुट लाए हैं। तो अब थोड़ी सी बूरा डालो,
थोड़ी सी बूरा डालो, हाँ थोड़ा सा दही डालो। अब कच्चा दूध डालो। बस अब रगड़ के नहीं ला तो भी मालिश करवा रहे लड्डू गोपाल जी, देखिए आज रगड़ रगड़ के नहीं ला रहे लड्डू गोपाल जी को शर्मा जी। भाई वाह, नन्हे मुन्ने हमारे लड्डू गोपाल। देखिए लड्डू गोपाल जी ना रहे हमारे नन्हे नन्हे लड्डू गोपाल जी, नन्हे नन्हे आज सुंदर सुंदर बनेंगे भाई। आज तो जन्माष्टमी है, आज बर्थडे है, आज स्पेशल डे है भाई हमारे लड्डू गोपाल जी का। और भाई शॉप पे हम गए थे तो वहाँ से लेके आए थे तो भाई बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसें थी तो उनमें से सिलेक्ट करना हो रहा था भारी कि कौन सी लेके आए, मुश्किल हो रहा था कि भाई को। तो भाई जब हम शॉप पे ख़रीदने गए थे ना लड्डू गोपाल जी की ड्रेसें तो कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि भैया ने जो थे दुकान वाले भैया ने इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसें ला रखी थी कि भाई मन कर रहा था कि सारी ड्रेसें घर ले चले, पर सारी तो नहीं लाए। फिलहाल तो हमें एक ही ख़रीद के लाए क्योंकि पिछले महीने भी मैं दो जोड़ी लेके आई थी, ड्रेस मुकुट हार तो कई चीज़ें लेके आई थी पिछले महीने भी मैं, पेंटी वगैरह नए मोबाइल। तो अब तो बस सिर्फ मैं जन्माष्टमी के लिए एक ही ड्रेस लेके आई हूँ, वो भी येलो कलर की, क्योंकि बोलते हैं कि जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को येलो कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं। तो भाई येलो कलर की हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस लेके आए थे। और ये देखिए भाई लड्डू गोपाल जी ने स्नान तो कर लिया है और अब नोनी नोनी ड्रेस पहनना शुरू कर दिया, नोनी नोनी पेंटी। और पेंटी भी हम बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े में लेके आए हैं लड्डू गोपाल जी की, एकदम से बिल्कुल ऐसा कि जब हमारे लड्डू गोपाल जी पहने तो पता भी ना लगे, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट वाइट कलर की। और अब घुंघरू पहना दिए लड्डू गोपाल जी को, छमछम करते हुए घूमे सारे हमारे घर में। और भाई जब ड्रेस लेने गए थे ना तो बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेसें आई हुई थी, सिलेक्ट करना भाई मुश्किल हो रहा था कि कौन सी ले कौन सी ना ले। तो भाई बड़ी मुश्किल से मैंने और गुड्डू ने अपना मन बनाया और फिर हमने ये ड्रेस पसंद की लड्डू गोपाल जी के लिए बर्थडे पे, क्योंकि इसमें सारे कलर हैं और ये पंख टाइप में इसमें डिज़ाइन बने हुए हैं, मोती लगे हुए हैं और स्पार्कल का जो धागा है उसका इसमें कढ़ाई का वर्क हो रखा है। और इसमें कलर कई हैं, पिंक, ऑरेंज, येलो, येलो तो है, येलो तो मेन ही था क्योंकि ये था कि भाई आज बर्थडे है और बर्थडे वाले दिन जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल जी को येलो कलर की ड्रेस पहनानी होती है। तो मेरे को यही पसंद आया कि ये येलो भी है और इसमें और कलर भी और शाइनिंग भी है, तो ड्रेस मेरे को लगी सुंदर। बाकी और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर ड्रेसें थी। तो देखिए ड्रेस तो पहन ली, हार ना पहनाओ, पहली बार पहना दिया। तो ये देखिए हम लाए थे वैजंती माला ये लड्डू गोपाल जी के लिए, और कहते हैं ये भाई पहनानी शुभ होती है और अच्छी होती है, लड्डू गोपाल जी को भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये लेके आए थे वैजंती माला। और ये देखिए कितना सुंदर मुकुट लेके आए मैं और गुड्डू। गुड्डू पसंद ने गुड्डू ने किया भाई, गुड्डू ने निकाल के दिया, बोले मम्मी ये सुंदर लग रहा है। तो बिल्कुल ड्रेस के साथ ये मैच भी कर रहा है और गले में वैजंती माला भी डाल दी है और हार भी डाल दिया है, दोनों चीज़ें डाल दी है। और भाई पहन लिया है मुकुट ड्रेस के साथ मैच करता हुआ लड्डू गोपाल जी ने। और परफ्यूम भी लेके आए हम लड्डू गोपाल जी के लिए। और अभी और हम मुकुट के ऊपर लगाएंगे मोर पंख वाली कलंगी, क्योंकि मोर पंख पता है आपको लड्डू गोपाल जी को कितना सुंदर लगता है। और ये देखिए कितनी सुंदर कलंगी है ये, और अब शर्मा जी लगाएंगे इसको। भाई वाह, चार चांद लग गए। चल रहा है। और भाई देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, अरे राम अब लग रहा है भाई बर्थडे है ना, बर्थडे बॉय। और ये देखिए सामने से हमारे लड्डू गोपाल जी को देखिए, आज तो भाई चार चांद लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी की सुंदरता में। हैप्पी बर्थडे लड्डू गोपाल जी। और ये देखिए ताजा मक्खन निकाला आज लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए बिल्कुल। और अब लगाएंगे, शर्मा जी पूजा कर ले फिर लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे मक्खन मिश्री का भोग।
करेंगे पूजा, इसलिए मैं ऊपर से थोड़े और तुलसी के पत्ते और फ्लावर तोड़ के लेके आई थी लड्डू गोपाल को चढ़ाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ही तोड़ लाई मैं, इसलिए हमने सारे देवी देवता को चढ़ा दिए ये, और इनके लिए तो मैं सबसे बड़ा वाला फ्लावर लेके आई हूँ। और अब लगाएंगे भगवान जी को माखन मिश्री का भोग, क्योंकि इनका तो फेवरेट है, इन्होंने खूब माखन चुराया है, माखन बहुत पसंद है, इतना खाते थे जैसे मतलब मेरी फेवरेट डिश तो मोमोज है ना, इनकी फेवरेट डिश यही थी माखन। अभी पापा लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं माखन मिश्री का। लड्डू गोपाल अच्छा अच्छा भोग लगाओ प्यारा प्यारा। पूजा पाठ तो कर लिया दोनों बच्चों ने, और अंशु ट्यूशन भी आया, और इतने बच्चों ने कर लिया आराम, अपने आराम से फोन देखा है, बहन ने रिलैक्स हो गई, और अब बना रहे दोनों बहन भाई आज कई दिनों के बाद पेंटिंग, क्योंकि अंशुमन की अब 10th की पढ़ाई है, तो थोड़ा इसने भी भाई पढ़ाई पे जोर दे रखा है, सुबह जाता है स्कूल में और शाम को 5 बजे घर आता है। ये देखिए गुड्डू बना रही छोटे से कान्हा जी, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, और जैसे ये खुद है ना गोलू मोलू सी, ऐसे ये कान्हा, भोलेनाथ, गणेश जी, तो सारे बजरंग बली, तो सबकी पेंटिंग जब बनाती खुद अपने जैसी गोलू मोलू सी जैसी खुद है ना, ऐसी पेंटिंग बनाती है, तो इसकी तो बस अब ये वाली पेंटिंग बना रही है। गाय भी बनाएगी, गाय आ जाएगी, हैं बना देगी, मेरे को तो नहीं लग रहा, या तो फिर तेरे को यूं करके लेनी थी ये, तो देखो आप कर तो रही है इसके साथ में, गाय भी है कान्हा जी के साथ, तो वो तो मेरे को नहीं लग रहा कि शायद इस पे आ जाएगी, तो देखते हैं, कह तो रही मम्मी बना दूंगी, अब देखो ये क्या करेगी, बन जाएगी या नहीं बनेगी, सिर्फ कान्हा जी बनेंगे। और ये बना रहा है अंशुमन, ये देखिए अभी तो बस तिलक और आंखें ही तैयार हुई है, तो देखिए अभी तो बस तिलक और कान्हा जी की आंखें ही बनी है, और ये पेपर इसने ले रखा है, ये रख रहा है अपने हाथ के नीचे, ताकि जो है पेंसिल जो इसने आउटलाइन बनाई ये ब्लैक ब्लैक ना हो जाए पेपर सारा, तो इसलिए ये हाथ के नीचे ही रख रहा है पेपर, और अभी इसको तो टाइम लगेगा बनाने में। गुड्डू की तो पेंटिंग देखिए हो चुकी है कम्प्लीट, ये गाय भी बन गई है, मैं तो कहती बेटा गाय नहीं बनेगी तेरे से, और पेपर तूने छोटा ले लिया ये, पर गाय बन गई है, देखिए कितने सुंदर बाल गोपाल लड्डू गोपाल कान्हा जी बना दिए छोटे से, इसने तो बहुत सुंदर बना दी, और देखिए इससे भी सुंदर बनाया अंशुमन ने, पर उसकी अभी पेंटिंग पूरी नहीं हुई है, ये देखिए वाह, और बहुत देर हो गई उसको मेहनत करते करते, थक भी गया ये, अब 3-4 घंटे हो गए इसको पेंटिंग बनाते बनाते, ट्यूशन से आते ही लग गया था पेंटिंग बनाने हैं, और ये हाथ देखिए कितना, पेपर रखने के बाद भी क्या कितना काला पड़ गया ये देखिए, और भाई बड़ी सुंदर पेंटिंग बन रही है, वाओ अभी पूरी नहीं हुई, अभी लगेगा इसको टाइम और भी, फिर इसमें कलर नहीं भरेगा, स्केच है, स्केच ही बनाएगा है। तो अंशु भाई ने बिल्कुल रियलिस्टिक पेंटिंग बना दी है, ये देखो ऐसा लग रहा है बिल्कुल बाहर से खरीद के लाया है, ऐसा बिल्कुल लग रहा किसने घर पे बनाई है, और यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है बिस्तर विस्तर खराब, क्योंकि ये कई देर से लगा हुआ है, इसको साफ करेगा अंशुमान। बहुत सुंदर बन रही है, रियल लग रही है बिल्कुल, जब वीडियो बनाने को कर रहा है शेडिंग है ना, शेडिंग के लिए पहले लाइन ड्रॉ करना है, तो लाइन ड्रॉ करके फिर ये इसमें मम्मी का ये ब्रश ले रखा है, मम्मी ने लिया था इसको हीरा, इससे ये ऐसे से फैला देगा, मतलब ब्लेंडिंग, हाँ ब्लेंडिंग कर देगा। तो आज बर्थडे है लड्डू गोपाल जी का, इसलिए हमने अपना मंदिर भी सजा दिया गुब्बारों से, पूरा मंदिर हमने डेकोरेट कर दिया, और आज तो पापा और मैं ना बाल लेने, बाल वापस रिटर्न करने गए थे, क्योंकि हम बाल लेके आए थे, तो हम मुकुट भी लेके आए, तो इनको ना बहुत चलाक है ये, अब सब कुछ नया 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 दिलवा दिया अपने लिए ना, सब कुछ नया है इनका, और इन्होंने हमारा मन भलाया कि जाओ मेरे लिए मुकुट लेके आओ। पापा मतलब हम एक चीज लेके आते हैं ना, दो चीज लेके आते हैं, तो लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए हम मना रहे हैं, जॉय वाली खीर मेरी फेवरेट है, लड्डू गोपाल जी की भी फेवरेट है, तो मक्खन मिश्री का सुबह, और अब जॉय की खीर का तो अब देखते हैं मम्मी बना रही है, तो अब खीर बन चुकी है, देखो मेरी फेवरेट और लड्डू गोपाल जी की फेवरेट खीर मीठे के लिए, और मम्मी अब हमारे लिए मम्मी क्या बना रही है, आलू पूरी, हाँ आलू पूरी बना रही है, तो वो भी हमारी फेवरेट है, तो अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे आज, तो आज मजा आ जाएंगे, और अभी हम झांकी वाकी भी देखने जाएंगे है ना पापा, हाँ तो झांकी वाकी देख के आते हैं आपको भी दिखाते हैं, चलो
और खास के